हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सुधाक्षी बघेल। सो आज का वीडियो बेसिकली होने वाला मेरे करेंटली स्किन केयर रूटीन के ऊपर। मैंने कुछ स्किन केयर रूटीन में चेंजेस लाए जिसका काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लेंजिंग। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का नीम फेस वॉश। ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मुझे सूट करता है। मैंने डिफरेंट टाइप के फेस वॉशेस ट्राई किए हैं बट इससे मेरे एक्ने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं और मेरे डार्क स्पॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो मैं इसी फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ लास्ट 1 ईयर से। सो इससे मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी और वॉश करके पैड ड्राई कर लेती हूँ। आप हमेशा क्लीन टॉवल का यूज़ करिए और अपने फेस को डैबिंग मोशन से ही ड्राई करिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है टोनिंग। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। ग्रीन टी हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारे एक्ने डार्क स्पॉट के लिए। पर्सनली मुझे गुड वाइब्स के टोनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये स्प्रे बॉटल पर आते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर, जो मैं आपको बोल रही थी कि मैंने कुछ चेंज किया स्किन केयर रूटीन में, तो वो यही है। सो मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ न्यूट का गोट मिल्क फेस क्रीम। सो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग पे मिलती है आपको। इसकी प्राइस है 800 रुपीज़ और आपको मिलता है इसमें 50 ग्राम का क्रीम मिलता है। सो आपको इससे की कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिलती है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक लॉक मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आप देखते हैं तो आपको एक मैनुअल मिलता है जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस फेस क्रीम के बारे में लिखा हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद हमें एक ग्लास के एक छोटे से कंटेनर पे हमको मिलता है क्रीम। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ग्रीन कलर का है। आपको इसमें 50 ग्राम का क्रीम मिलता है, आप इसे डे और नाइट टाइम पर इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल की बात करें तो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, गोट मिल्क प्रीमियम रिन्यूअल क्रीम दिया हुआ है। उसके बाद अंदर पूरे इधर डिटेल दिया हुआ है कि हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, पूरा डिटेल दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा, आप इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पेज की बात करते हैं सो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है ये, और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है आप देख सकते हैं, जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा, ये सेफ़ है, टॉक्सिक फ्री है और इसके बहुत सारे अदर प्रोडक्ट भी हैं। ये ट्रस्टेड है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, नॉन ग्रीसी फार्मूला है, नेचुरली पीएच बैलेंस्ड है। सो आपको इस तरीके की पैकेजिंग पे मिलती है। अगर मैं क्रीम की टेक्सचर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइट वेट है, बिल्कुल भी थिक नहीं है। ऑयली स्किन वाले भी इसे ट्राई कर सकते हैं बट आप पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। अब हम न्यूट गोट मिल्क स्किन रिन्यूअल क्रीम की बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है टू प्रोटेक्ट कोलेजन, प्रिवेंट करता है ड्राई स्किन को एंड हमारे स्किन को सपल बनाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो गोट मिल्क में प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है रिड्यूस एक्ने स्पॉट को, ब्राइटन अप करता है हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को, रिमूव करता है डेड स्किन को और प्रमोट करता है हमारे न्यू स्किन सेल को, और ये हमारे स्किन को पेनिट्रेट करता है, मॉइस्चर को लॉक करता है और हमारे स्किन को बेबी सॉफ्ट बना देता है। कैप्रिक एंड कैप्रिलिक एसिड जो प्रेजेंट होता है गोट मिल्क में हैव नेचुरली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है दैट प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन, और इसमें होता है विटामिन ए, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C, D एंड E। इसके साथ साथ इसमें मिनरल्स होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि हमारे रिड्यूस करते हैं रिंकल्स को, मॉइस्चराइज करते हैं हमारे स्किन को और नरिश करते हैं। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उससे बाय कर सकते हैं या आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा या फिर आप इसके डायरेक्ट वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सनस्क्रीन। सो आपको सनस्क्रीन लगाना कभी भी भूलना नहीं चाहिए, आपको अपने फेस को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ वाओ का सनस्क्रीन। आप कोई सा भी अपना फेवरेट सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं और मेक श्योर आप अपने आईलिड पर भी अच्छे से अप्लाई कर लीजिए क्योंकि हम मेनली वहाँ पर अप्लाई करना
भूल जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लिप को मॉइस्चराइज करना है, यानी कि लिप बाम। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का लिप बाम, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि हमारे लिप को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है और आपके जो लिप डार्क हो जाते हैं उससे भी ये ब्राइटन अप करता है। तो आप इस लिप बाम को ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे मेरा स्किन केयर डन होता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए हो। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको काफी ज्यादा पसंद आया और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन ना उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टा आईडी है सताक्षी बघेल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।